जय श्री राम दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने दो तीन क्लिप्स ऐड किए हैं जिसमें अयोध्या वासी अपना दर्द बता रहे हैं, और ये क्लिप्स उन लोगों के लिए ज़रूर है जो लोग अयोध्या वासियों को धोखेबाज बोल रहे हैं या गद्दार बोल रहे हैं। हमारा 85 साल को कह रहे हैं, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा, मंदिर खाली मने दर्शन करने ले, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि इन सब को टिकाएंगे, और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, जन बाहर मने इधर टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं। दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। हम बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट हो गया। मंदिर तो बनने का हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे, किसी में नहीं कमाए खाए। मंदिर बन गया, इसकी खुशी है आपको? मंदिर तो बहुत बना, बहुत खुशी है, है? लेकिन आप विदेश जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर ही यही आपका, आप ही का घर था, तोड़ दिए। तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं, कुछ हरजाना नहीं मिला, 1 रुपया नहीं दिए। मतलब गरीब आदमी का विकास नहीं हो रहा है, गरीब के जाओ तेल बेचो, मरे हुए का और मार दिए। अच्छा, अब तोड़ तार के विकास करते हैं। तो अब कहाँ रह रहे हैं बाबा? हैं? अब कहाँ रह रहे हैं? 6 किलोमीटर एगो कबर खाना दिए है रहने के लिए। अच्छा, सरकार ने दिया? हाँ, सरकार। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर? हाँ, कबर खाना। कबर खाना वो क्या होता है? वो कबर खाना है सर। कबर खाना क्या होता है? अच्छा, जहाँ कचरा पड़ता है, कचरे का डब्बा समझो उसको। तो आपने इन वीडियोस में देखा कि इन लोगों का दर्द साफ साफ इनके आंखों में, इनके दिल में दिखता है। और मैं नहीं जानता कि आप लोग भगवान राम को किस नजरिए देखते हो, जिस बात पे आप कहते हो कि भगवान राम के नाम पे वोट दो। भगवान राम ने कभी नहीं चाहा कि कोई अपना किसी का घर टूटे मेरे लिए, किसी का विनाश हो मेरे लिए। ये कुछ पार्टियां चुनिंदा हैं जो विकास के नाम पे विनाश को भी अपना पलड़ा या अपने पलड़े में रख रहे हैं। तो अयोध्या में लगभग 10,500 करोड़ के लगभग यूपी गवर्नमेंट ने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए, रोड हुए, हमारा अयोध्या एयरपोर्ट हुआ, रेलवेज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 10,500 करोड़ इन्वेस्ट किए। मैं कहता हूँ उसी 10,500 करोड़ में से 1,000 करोड़ ही उन गरीबों के लिए दे देते, जिनका राम पद बनाने में कहा जाता है कि 12 मस्जिद टूटी हैं, सैकड़ों घर टूटे हैं, दुकानें टूटी हैं और 30 मंदिर भी टूटे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो अयोध्या वासी गाली दे रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि 10,500 करोड़ यूपी गवर्नमेंट अगर अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर सकती है, तो क्या उसमें से 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ इतना सही फंड क्या उन अयोध्या वासियों को जिनका घर टूटा, जिनके मकान टूटे, हो सकता है सरकारी जमीन पर रह रहे हो सकता है, लेकिन उनके पुश्ते बीती ना, 20 साल 25 साल से रह रहे हैं ना, उनके 1-2 कमरे तो रहे होंगे ना, उनके दुकानें तो रही होंगी ना, हो सकता है वो तो रोड पे उनका घर रहा हो, रोड आज से 10 साल पहले पास हो गया हो, अब बन रहा हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर वो रह रहे हैं तो उनको भी वो देश, इसी देश के वो भी हिस्से हैं, इसी देश के वो लोग हैं। अगर आप अयोध्या जा रहे हो तो आपको कोई अमीर इंसान नहीं आपको खाना सर्व करेगा, आपको चाय पिलाएगा, वो गरीब ही होगा, ठीक है। तो इतना समझना चाहिए कि अगर 10,500 करोड़ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज को बदलाव, नवीनीकरण करने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए, जिससे अयोध्या प्रति टूरिस्ट टूरिज्म बढ़े, अयोध्या वासियों गर्व हो कि ये हमारा अयोध्या है, तो उसी में से 500 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ उनको भी दे दिया होता, जो उस अयोध्या में रह रहे थे, जिनका रोड पे घर पड़े, जमीन पड़े, जो भी पड़ा दे सकते थे ना। लेकिन देखता बस अयोध्या वाले धोखेबाज हैं, अयोध्या वाले माता सीता नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते, ये है वो, तो थोड़ा सोच समझ के बात पे बोलनी चाहिए। दोनों तरफ हर एक चीज़ तो किसी के लिए विकास है, किसी के लिए विनाश है, इस बात को समझना चाहिए। जय श्री राम।